बाबूलाल महाविद्यालय में छात्रों से संवाद करने के लिए राज्य मंत्री कारागारे में होमगार्ड धर्मवीर प्रजापति पहुंचे। गोवर्धन में शनिवार को बाबूलाल महाविद्यालय परिसर में कारागार एवं होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति महाविद्यालय के छात्र छात्राओं से वर्तमान परिक्षेप के संदर्भ में संवाद करने पहुंचे। यहां बाबूलाल विद्यालय के संस्थापक पंडित खेमचंद शर्मा एक महाविद्यालय के डायरेक्टर नंद किशोर शर्मा एडवोकेट द्वारा मंत्री का जिला कारागार सुपरिटेंडेंट का दुपट्टा एवं माला पहना व पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत किया। इसके बाद विद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं से संवाद करते हुए कारागार मंत्री ने कहा कि छात्र जीवन में सभी छात्र छात्राओं का एकमात्र लक्ष्य केवल पढ़ाई और पढ़ाई के साथ लक्ष्य की प्राप्ति होना चाहिए, जिससे वह परिवार क्षेत्र देश प्रदेश का नाम रोशन कर सके। उनके साथ ही साथ जीवन में सोशल मीडिया और मोबाइल फोन के उपयोग और दुरुपयोग पर चर्चा करते हुए कहा कि छात्रों को केवल अपने कार्य से संबंधित ही मोबाइल का प्रयोग करना चाहिए। कार्यक्रम के समापन पर बाबूलाल विद्यालय के संस्थापक खेमचंद शर्मा द्वारा मंत्री के विद्यालय के प्रोस्पेक्टर एवं तस्वीर भेंट की। इस अवसर पर महाविद्यालय डायरेक्टर नंद किशोर शर्मा एडवोकेट भाजपा नेता सियाराम शर्मा हरवान सिंह आदि लोग मौजूद रहे। डीडी शर्मा मथुरा समाचार 24। देखिए जेल विभाग हमारे पास है और जेल विभाग की परिस्थितियों को हमने समझा है। 40 साल से नीचे का युवा 80% जेल में है, वहाँ तो एक संयुक्त रूप में हमें मिल गया है तो उनके साथ हम बातचीत कर लेते हैं, संवाद कर लेते हैं। लेकिन नौजवान बच्चा हमारे देश का भविष्य होता है, देश का भविष्य होता है और वो किसी भी कारण देश का प्रदेश का भविष्य ना बन पाए तो अपने घर का भविष्य होता है और जिस घर का भविष्य जेल में हो उसका परिवार जो है अंधकार में रह जाता है। इसलिए कैदियों के साथ संवाद तो हम करते ही हैं, जैसे हमने जब भी समझा कि कॉलेजों में और बच्चों के साथ संवाद हम जरूर करते हैं, विशेष करके बच्चा कोई गलती न करे। जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए त्याग समर्पण करते हैं, अपने खर्चों में कटौती करते हैं, ऐसे बच्चे अपना भविष्य बनाएं। माँ बाप की तरफ से पूरी छूट रहती है, बच्चों को समझाया है कि कोई जीवन में गलती नहीं करनी है, रास्ता नहीं भटकना है, अपनी मंजिल तय करिए और आगे बढ़िए, अपना भविष्य बनाइए और माँ बाप का नाम रोशन करिए।